मैंने यहाँ पे काम कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से कोई न कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान है किसी की, कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कर ही रहा, चाहे वो खेती कर रहा हो। ऐसे ही मैं भी था, पहले नौकरी कर रहा था, नौकरी के साथ साथ मुझे एसी प्रेस देखने का मौका मिला था। और एसी प्रेस में जब मैं पहली बार काम देखा था, आप भी उसी तरह देखे होंगे, जब भी जो शुरुआत में जो सपने उठते हैं, उस दिन जिस दिन प्लान देखने के बाद मेरा रात 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो सपना मैंने पहले देखा था, जो जो लेवल पे जो हमने इनकम देखा था, जो जो सपने बताए गए थे, वो आज हमारे सामने है, वो सारे लेवल का इनकम हमारे सामने है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सबसे ऐसा कोई नहीं जो उस लेवल को अचीव ना कर पाए। और अभी तक जो भी हुआ है वो गुरु जी की वजह से हुआ है, और जो भी आगे होगा वो भी गुरु जी की वजह से ही होगा। हो सकता आपका भी अप्लाई कोई होगा जिसने आपको ज्वाइन कराया होगा, है कि नहीं है? किसी ने तो आपको ज्वाइन कराया होगा, वो भी आपके लिए गुरु है, जैसे आज हमारे लिए गुरु जी हैं। मैं आज गुरु जी को भगवान मानता हूँ, और आप आइए हमारे घर में देखिए, मंदिर में भी फोटो गुरु जी की लगा रखा हूँ, पूजा करता हूँ। और जैसे आपका अप्लाई जिसने आपको ज्वाइन कराया है, वो आपके साथ आपकी मोटरसाइकिल पे घूमता है, वैसे ही जब मैं ज्वाइन किया था, गुरु जी हमारे साथ इलाहाबाद आए थे, 3 से 4 दिन हमारे साथ मोटरसाइकिल पे हम लोग घूमते थे, उसके बाद लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। वो दिन था जब मैं स्टार्टिंग किया था, हमारे पास मेन था कि हमारे पास समय नहीं था, ऐसा है कि नहीं है? जिसको भी हम जानकारी देते हैं, जिसको भी प्लान दिखाते हैं, हर आदमी ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। और मेरे पास भी वो स्थिति थी, मेरे पास समय नहीं था, पहले से मैं नौकरी कर रहा था, और नौकरी के बाद जो समय मिलता था 1 घंटा 2 घंटा दिन में, हर आदमी ज्यादातर 95% लोग दिन में सोते थे। और जब से मैं एसी प्रेस का प्लान देखा, दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सोया नहीं, और कुछ दिन हुआ बीच में मैंने खाना जैसे खाता था गलती हो जाती थी मेरे से, तो मुझे नींद आ जाती थी। 1-2 दिन बीता, जैसे ही 2 दिन बीतने के बाद मुझे याद आया कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो रही है। उस गलती को हमने खत्म किया, जो खाना खाने के बाद मुझे तुरंत नींद आती थी, हमने दोपहर में खाना खाना छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग इसी वजह से दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम पुरानी आदत को बदल नहीं पाते हैं। जो चीज हमें ऐसी टेस्ट में दिक्कत देती थी, परेशानी देती थी, उस चीज को मैं छोड़ देता था, उस चीज के तरफ मैं देखता नहीं था। वही वजह है, उसी की वजह से ऐसी टेस्ट में तरक्की मिलती रही, ऐसी केस में लेवल बदलते रहे। और जो आपका आज कोई फ्रेशर है, जो अभी अभी प्लान देखा है, अभी अभी आगे ग्रीन किया है, उसी तरह हमारी भी आगे थी। उसी समय 500 का चेक बनता था, कभी कभी 1000 रुपए का चेक बनता था, लेकिन कुछ ही कहते थे, बोला सुनील सर टेंशन नहीं लेना, आने वाले समय बदलेगी। और ऐसे ऐसे करते लोगों से जब मुलाकात करता था, एक एक मंजन देने के लिए लोगों से जाता था, मैं एक एक मंजन को देने के लिए 20-30 किलोमीटर तक जाता था। इसी इलाहाबाद में जब मैं स्टार्टिंग किया था, शुरुआत में सिर्फ थोड़ा देख देख के हमने 4th लेवल हासिल कर लिया था। उसके बाद तो मैं ऐसे गली में और सड़कों पे घूम ही रहा था, लोगों से मिलता था, और लोग बोलते हैं कभी भी हमसे फोन आते हैं, बोला सर हम कैसे काम स्टार्ट करें, बार बार ये पूछते हैं। मेरे पास भी लोग नहीं थे इलाहाबाद में किसको प्लान दिखाऊं, लेकिन जिससे मैं सामान लेता था, जिससे सब्जी लेता था, जिससे कभी आटा पिसाने जाता था, जिससे बच्चों की पेंसिल या बुक खरीदता था, उसी आदमी को पकड़ के मैं प्लान दिखाता था। ये सिलसिला जारी रहा, करता रहा। बीच बीच में करते करते एक दुकान वाले ने मुझे बताया कि मुझे प्लान दिखाया था उस बंदे ने, लेकिन उस शख्स के साथ मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। कौन शख्स थे उनका मुझे नंबर दे दो, तो उस बंदे ने मुझे नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद मैंने उनको फोन किया, और फोन करने के बाद उन्होंने उनका कोई रिजेक्शन आया, लेकिन हमने कसम खा ली थी कि जिसके भी पीछे पड़ता हूँ आज तक का रिकॉर्ड है, जब जब जहाँ मिला हूँ, यहाँ तक कि अगर किसी का हॉल बुक करने गया हूँ उसी को ज्वाइन कराया हूँ, और जैसे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए गया था इटावा अपने थाने में, उसको भी 3500 रुपए के प्रोडक्ट दे दिया है। जो नंबर दिया था उसने मुझे एक बार बंदे ने मना कर दिया था, लेकिन हमने वो पीछा नहीं छोड़ा, 2 महीने के बाद फिर रिटर्न कॉल किया, तरीका बदल दिया, बोला सर मुझे
अभी अभी नया क्वेश्चन आया हूँ और आने के बाद मुझे सॉरी मुझे कामयाब होना है और मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी कोई रास्ता बताओ। और वो बंदा तुरंत हमारे पास आ गया सर, और जैसे हमारे पास आए तो कोई और नहीं आपके अजीत यादव जी हैं, आज वहां नहीं होने वाला सरकार। और जब हमारे पास पहले बार मिले थे उनसे मैं नीचे ही जाके, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ कुछ क्षण के लिए, और भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है अगर इंसान का फायदा हो रहा हो तो झूठ बोलने में भी कोई हानि नहीं है। यही अपनाया हमने, उस व्यक्ति का हाथ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वही था उस बंदे को हमने फोन बताया सर मैं आपको झूठ बोल के बुलाया हूँ लेकिन कंपनी में दूसरी करता हूँ। तो उन्होंने बोला आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, कोई बात नहीं एक बार बैठ लेते समझ में आ जाएगा, दो घंटा तक चिल्लाते रहे अपना बोलते रहे, दो घंटे के बाद मात्र 5 मिनट का लिया और 5 मिनट का जादूवा देख रहे हैं आप। दूसरा हम दो लोग हो गए, दो लोगों के साथ साथ हमने स्टार्टिंग किया। कुछ दिन के बाद किसी ने मेरे पास एक नंबर भेजा, बोला सर इस बंदे को हैंडल करो। हम तो ठीक है, हमने उनको कॉल करना शुरू किया, दो बार बात किया, बता आई नहीं रहा बात होता कि हमसे मिल ले एक बार। और ऐसी मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति सामने बिठा ले एक घंटा बातचीत कर ले 100% अंदर धन होता है। जितनी दिक्कत है जितनी परेशानी है आपसे मिलने तक ही है, अगर वो बंदा मिल लेता तो दोनों तक नहीं होता, लेकिन मिलने तक ही है। और मिलने का कौन सा जादू करना पड़ेगा, कौन सी कस्में खानी पड़ेगी उसके ऊपर। तो मैं उनसे बातचीत करता रहा था और बातचीत करते करते मैंने उनसे समय ले लिया, उन्होंने समय भी अपनी जगह पे दिया, क्योंकि जो आदमी होता है अपनी जगह पे ही बुलाता पहली बार होता कि नहीं होता। और उसके लिए अगर कहें किसी को भी कोई बुला ले तो हम पहले अपलाइन को ढूंढते ढूंढते भी ढूंढते, हमारे पास कोई था नहीं पीछे, मैं पीछे मुड़ के देखता था मैं अकेला हूँ तो मुझे जाना ही पड़ता था, क्योंकि जब पीछे बड़ा भाई खड़ा हो, पिताजी खड़े हो तो झगड़ा करने में, या दोस्त साथ खड़े हो झगड़ा करता कि नहीं करता, लेकिन पीछे खड़ा ही हरकत का करेगा कुछ बोलता है क्या। तो मैं भी चुपचाप चला जाता था लेकिन मिलने चला गया। सोरों में और कोई नहीं है, आपके ही अप्लाई हैं जितने दूसरा विपिन कुमार, और सोरों में प्लान दिखाने गया था जिनका सेमिनार पहले से वहां पर चल रहा था, उसी सेमिनार पर प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद उन्हें भी कम समझ में आया, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन ये प्रक्रिया हमने लगातार 3 से 4 महीना लगातार करते रहा। एक बार कॉल भी किया और कॉल तब करता था, बहुत सारे लोग नौकरी पे जाते हैं, जैसे मैं ड्यूटी पे पहुंचता था उसी समय फोन करना, उसी समय आईडी बनाना, उसी समय सभी लोगों से लिस्ट बना के बातचीत करना, जो हमारा समय होता था, जैसे मैं बाहर आता था मेरी लिस्ट तैयार होती थी और 1 घंटा भी 1 मिनट भी नहीं 1 सेकंड भी मेरा बर्बाद नहीं होता था। अगर मेरे 1 घंटा भी मिला है तो मैं सिद्ध से किया हूँ अभी तक 3 साल। और उनको समझ में नहीं आया, 4 महीने लगातार लगा रहा, उनको एक बार बोला था एक बार सामने बैठ जाओ आधा घंटा गारंटी देता हूँ आपको समझ में आया। और मुझे यही भरोसा था बंदा अगर एक बार समझ जाए और बैठ जाए सामने तो बंदा हमारे साथ ज्वाइन होगा, और वही हुआ। बातचीत करते रहा, बहुत बार टाइम दिया, मैं थोड़ा के खड़े खड़े इंतजार करता रहा, 2-2 घंटा तक बंदा मिलने नहीं आया। मैं यहाँ पे हाईकोर्ट के सामने खड़ा रहा, बंदा मिलने नहीं आया, लगा होगा। और ऐसे लोग बनाते कि नहीं बनाते, हम तो बनाते नहीं बनाते तो हम थक के मना कर देते हैं, लेकिन वही था हार थक के उन्होंने समय दे दिया। उस समय में 5 मार्च को ड्यूटी पे रहता था तो हमारा इंटर्न जो तीसरे लेवल का आया था, हमने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेजा तो उन्होंने तुरंत मेरे को फोन किया, बोला सर ऐसा ऐसा इंटर्न इकट्ठा आता है क्या। हाँ बिल्कुल आता है। तो हमने उनको बोला मेरे पास 2 बंदे रेडी हैं, अगर अभी अभी के अभी आप डॉक्यूमेंट भेज देते हो वो 2 बंदे आपके नीचे लगा दूंगा। और वही हुआ था, जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा शाम का समय था, शाम को ही ड्यूटी पे बैठ के जिस पे मैं ड्यूटी बुक लिखा करता था, बहुत सारे लोग अगर कोई डिफेंस से हैं जहां मैं ड्यूटी भरा करता था उसी के लास्ट पेज पे इनका पूरा बायोडाटा लिखा, जन्म कुंडली पता है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड और उनका पूरा नाम पिताजी का नाम, वो उसी डायरी के ऊपर लिखा, इनका रजिस्ट्रेशन किया और जो मेरे पास 2 बंदे थे टक से नीचे लगा दिया, इनको सिर्फ 200 SP दिखाई दिया। उसके बाद लगातार
जैसे सबको दौड़ कराया था, मैंने मोटरसाइकिल पे लोगों को जाके सबके साथ प्लान लगाया, प्रताप गया, यहाँ तक कि जब मेरा रात